कराची शहर सदर कोऑपरेटिव मार्केट में लगी आग बेकाबू, पूरे शहर से फायर टेंडर तलब। शहर कायद में वाकिया, सदर कोऑपरेटिव मार्केट में लगी आग पर ताहल काबू नहीं पाया जा सका, जबकि इंतजामिया ने फौरी तौर पर पूरे शहर से फायर टेंडर को तलब कर लिया। इस जमन में पुलिस के हवाले से बताया है कि हफ्तावार तातील के बाइस सदर कोऑपरेटिव मार्केट बंद थी, जिसकी वजह से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आग बहुत ज्यादा शिद्दत से लगी हुई है। इलाका पुलिस के मुताबिक आतजदगी की इत्तला मिलते ही रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जाए वकूफ पर पहुंच गई और फायर ब्रिगेड को भी तलब कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आग बुझाने की कोशिश ताहल बार आवर साबित नहीं हो सकी, जिसके बाद पूरे शहर से फायर टेंडर को तलब कर लिया गया। अब्दुल हारून रोड समेत सदर कोऑपरेटिव मार्केट के तरफ की दीगर सड़कें भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है, ताकि इमदादी सर्गियों में रुकावट पैदा न हो सके। नजर टीवी चैनल ने बिजली फरामी के इदारे के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान के हवाले से बताया है कि आतजदगी की इत्तला मिलते ही सदर कोऑपरेटिव मार्केट की बिजली मुनक़ता कर दी गई है। सदर कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग के बाइस इलाका मकीनों को सख्त परेशानी लायक है, जबकि उठने वाले धुएं के बाइस बुजुर्गों और बच्चों को बतौर खास खांसी की शिकायत भी पैदा हो रही है। शोएब परवेज, NN News कराची।